इसी तौर से प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश को एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक लगातार हमारे भारत सरकार के वरिष्ठतम मंत्री और जिनके लिए ये जाना जाता है कि सड़क बनाने वाले मंत्री के नाते महाराष्ट्र से जिनकी ख्याति शुरू हुई और आज देश में उनकी ख्याति है, ऐसे माननीय नितिन गडकरी जी के द्वारा बहुत सारी सड़कों का, बहुत सारे सेतुओं का शिलान्यास भी किया जाने वाला है और उद्घाटन भी किया जाना है, उसमें प्रयागराज के इतिहास की सबसे बड़ी सौगात 6 लेन का एक ऐसा ब्रिज जो लगभग 10 किलोमीटर लंबा है और 2000 करोड़ की उसकी लागत है, वह जो प्रयागराजवासियों को प्राप्त हो रहा है उसके लिए मैं दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय नितिन गडकरी जी का और भारत सरकार के सभी माननीय मंत्रीगणों का और सभी मंत्रालय के अधिकारियों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी सौगात उन्होंने प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश को दिया। सर, कितने करोड़ की आबादी उससे प्रभावित हुई, कहाँ से कहाँ कनेक्ट करेगा ये? देखिए, ये तो प्रयागराज शहर को एक तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, लखनऊ मार्ग जो है, अयोध्या मार्ग जो है, काशी जाने का जो मार्ग है, उन सबको कनेक्ट करने वाला होगा। अयोध्या से काशी के लिए ट्रैफिक आसान हो जाएगा? नहीं, अयोध्या से काशी के लिए ये जो प्रयागराज शहर है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और कुंभ का मेला लगता है जिसमें करोड़ों लोग आते हैं, एक तरह से पूरी तरह से इलाहाबाद चौक हो जाता है, प्रयागराज चौक हो जाता है, और प्रयागराज के पूरी तरह से चौक हो जाने के कारण जहाँ तमाम प्रकार की सामग्री का आवागमन बाधित हो जाता था, इस 6 लेन के सेतु के बन जाने के बाद इस प्रकार की समस्याओं से प्रयागराज को भी मुक्ति मिलेगी और प्रयागराज से जुड़े हुए जितने भी बड़े शहर हैं, जिले हैं, उन सबको मुक्ति मिलेगी। सर, क्या आने वाले दिनों में श्रृंगवेरपुर में राम जी की विशाल मूर्ति लगने की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ? निश्चित तौर से भगवान श्री राम जी का जन्म स्थान तो अयोध्या है, लेकिन भगवान श्री राम जी की पूरी लीला का जो स्थान है वो देश के अनेक स्थानों में है, जिसमें प्रयागराज का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें श्रृंगवेरपुर धाम जो मित्रता और समरसता की भूमि के रूप में जाना जाता है, प्रयागराज में ही महर्षि भरद्वाज जी जो एक बहुत बड़ा अनुसंधान केंद्र था जहाँ पुष्पक विमान का अनुसंधान हुआ है और वहीं से अनुसंधान के बाद निर्माण हुआ है और उसी पुष्पक विमान से भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या में उन्होंने सबसे पहले अपने विमान की लैंडिंग करने का काम भी अयोध्या में किया था। तीसरा वाल्मीकि जी का स्थान है, वह जी यमुना पार करने के बाद एक लालापुर स्थान है वहाँ पर है, तो ये भगवान श्री राम की लीला से जुड़े हुए, चाहे वो प्रयागराज का संगम क्षेत्र हो, चाहे वह श्रृंगवेरपुर हो, चाहे वह भरद्वाज जी का आश्रम हो, चाहे वाल्मीकि जी का आश्रम हो, और बीच में और भी एक दर्जन से अधिक स्थान है जिनकी बहुत चर्चा नहीं है, इसलिए मैं उनकी चर्चा आप सबसे नहीं दोहराता हूँ, लेकिन राम वनगमन मार्ग पर भगवान राम जब वन के लिए निकले तो कहाँ कहाँ रुके, कहाँ रात्रि विश्राम किए, कहाँ अपने वनवास की यात्रा का अधिक समय बिताने का काम किए, ये सब कुछ मतलब बहुत बड़ा विस्तार से विवरण है, तो इसको लेकर के सरकार भी और समाज भी बहुत चैतन्य है और उस दिशा में हम लोग काम करते हैं।